जय श्री कृष्णा दोस्तों, अपना देश चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए जान लेते हैं दोस्तों आज का पंचांग। दोस्तों आज है 5 मई 2020, मंगलवार का दिन है। विक्रम संवत 2077, शक संवत 1942, गुजराती संवत 2076। अमांत महीना वैशाख का, पूर्णिमांत महीना भी वैशाख का, शुक्ल पक्ष चल रहा है, लूनर मास है चंद्रमास, और आज की तिथि है त्रयोदशी तिथि जो की रात को 11:31 तक है। नक्षत्र की बात करें तो हस्त नक्षत्र है जो कि 4:39 तक रहेगा। वज्र योग है जो कि अगले दिन 12:43 तक रहेगा, यानी कि लेट नाइट रात को 12:43 तक का है। दिशाशूल जो है उत्तर का है। अभिजीत मुहूर्त है वो 12:06 से लेकर 12:57 का है, अभी चल रहा है उत्तरायण। शुभ मुहूर्त की बात करें तो अमृत काल जो है वो 11:19 से लेकर दोपहर में 12:44 का है। विजय मुहूर्त जो है वो है 2:40 से 3:31 का। गोधूलि मुहूर्त शाम को 6:43 से 7:07 तक का है। सायं संध्या काल 6:56 से लेकर रात को 8:03 तक का है। निश्चित मुहूर्त रात को 12:09 से लेकर 12:54 के लिए रहेगा। और रवि योग जो है वो दोपहर में 4:39 से शुरू होकर अगले दिन सुबह में 6:07 तक रहेगा। अशुभ मुहूर्त की बात करें तो दोपहर में 3:44 से लेकर 5:20 तक राहु काल है। गुलिल काल जो है वो 12:32 से लेकर 2:08 तक रहेगा। यमगण काल सुबह में 9:19 से शुरू होकर 10:55 का रहेगा। दुर्मुहूर्त सुबह में 8:41 से लेकर 9:32 तक रहेगा। दूसरा दुर्मुहूर्त लेट नाइट का है, 11:24 से लेकर 12:09 तक का है। और वर्जित मुहूर्त जो है वो रात को 11:43 से शुरू होकर लेट नाइट 1:08 तक का रहेगा। दोस्तों 7 मई को वैशाख पूर्णिमा आ रही है। वैशाख पूर्णिमा का दिन बहुत ही पवित्र माना जाता है। दोस्तों इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण जरूर से करना चाहिए, और जो खुद नहीं कर सकते आप वीडियो के थ्रू भी सुन सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। इसके साथ दोस्तों बहुत से ऐसे काम होते हैं जो वैशाख पूर्णिमा के दिन हमें भूल कर भी नहीं करने चाहिए, वो हमें जरूर से जानना चाहिए। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भी कोई ऑनलाइन आप प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन जरूर से चेक करें। और साथ ही उसे वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप इसे शेयर जरूर से कीजिएगा। साथ ही चैनल से जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को प्रेस कर दीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए, शेयर करते रहिए और कमेंट में जरूर से लिखें जय श्री कृष्णा।